ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਕਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਹਰ ਸਰਾਰਤ ਸਭ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਚੋਦਰੀ ਹਰ ਚਲੇ ਮਨ ਪੰਕੋ ਦੀ ਮੈਂ ਕੇਵਨੀ ਹੋ ਮਰ ਹੀਰੜਾ ਮਿਦਾ ਕੀ ਚੁੰਗਲੀ ਚੱਲਾ ਮਿਥਾਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਮਨ ਕਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿੰਦ तो गाइस हमने ये होटल बुक किया है जो जैसलमेर फोर्ट में है और यहाँ काफी सेलेब्स आ चुके हैं। आइए मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ। Get variety of food choice here. मेरा नाम हरीश गिरी है और आपका जैसलमेर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। आज के समय में जैसलमेर आना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्ट्रीट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रेन है। बट जस्ट 1971 से पहले जैसलमेर आना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर आने के लिए एक पुरानी कहावत मारवाड़ी लैंग्वेज में बहुत फेमस थी, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लौह का, तब देखो जैसाण। क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, ना बारिश होती थी ज़्यादा, ना ही घास फूस होती थी। पिंड कीजिए पाषाण, पिंड मतलब शरीर, बॉडी जो है पत्थर की तरह स्ट्रांग होने चाहिए जो कि यहाँ की गर्मी को सहन कर सके, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 52 डिग्रीज तक चला जाता है। बख्तर कीजिए लौह का, कपड़े जो है लोहे की तरह स्ट्रांग होने चाहिए जो कि यहाँ की धूल भरी आंधियों को सहन कर सके, तब देखो जैसाण, तब आप जैसलमेर देख सकते हैं। अभी हम वॉक करेंगे फोर्ट के अंदर, यहाँ की नैरो एलीज के अंदर। इस किले के अंदर लगभग 5000 लोग रहते हैं। पुराने समय में रॉयल फैमिली ने रहने के लिए जो अपना मेन स्टाफ था, ब्राह्मिन्स राजपूत जो उनके मेन लोग थे, उन लोगों को किले में घर दिए थे। वो लोग जनरेशन बाई जनरेशन फोर्ट में रह रहे हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो लोग जिन घरों में रहते थे वो वहाँ के ओनर्स बन गए। तो आज के समय में ये किला जो है एक लिविंग फोर्ट है। अपना होटल भी फोर्ट के अंदर ही है। ये भी पुराना घर था जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से गलियों के अंदर काफ़ी सारे घर हैं और अपन विजिट करेंगे गलियों के अंदर। एंड आई विल एक्सप्लेन यू मोर थिंग्स अबाउट। तो अभी हम आ गए हैं गोल्डन सिटी के बहुत ही प्यारे व्यू पर।
यहाँ से आप देख सकते हैं जैसलमेर का पूरा शहर। इसे बोलते हैं गोल्डन सिटी क्योंकि यहाँ पर येलो सैंडस्टोन है जिसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये गोल्ड की तरह चमकता है। जैसा कि जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर्ड हाउसेस हैं, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और उदयपुर को बोलते हैं लेक सिटी क्योंकि वहाँ पे लेक ज़्यादा है। ये गोल्डन सिटी आप देख सकते हैं, हर घर येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ से लेक है, उसको बोलते हैं गडीसर लेक। ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत थी और इसीलिए पुराने टाइम में जब भी हमारे यहाँ बारिश होती थी तो उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं था। तो ये 14th सेंचुरी की बात है जब हमारे यहाँ के जो किंग थे महारावल गढ़सी सिंह जी, उन्होंने एक लेक खुदवाया फोर्ट के पास में ताकि कभी भी आसपास बारिश हो तो धीरे धीरे एज ए नेचुरल कैनाल उस लेक में पानी आए और जैसलमेर के लोग उस लेक का पानी यूज़ कर सकें। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया गढ़सी सर। गढ़सी राजा का नाम था, सर जो है सरोवर से आया है तो गढ़सी सर से बांध में बन गया गढ़ी सर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो बहुत ही लार्ज है, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो कि आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि पहला कच्छ है, सेकंड जो है जैसलमेर है। लेकिन इसमें पॉपुलेशन जो है पर किलोमीटर ओनली 17 लोग हैं क्योंकि ये डेजर्ट इलाका है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो 500,000 लोग है और सिटी का है 90,000, जिसमें भी लगभग 65% लोग हिंदूज हैं और 25% लोग मुस्लिम्स हैं। यहाँ पे धोप रखी हुई है। हाँ जी, ये तो पुरानी तोप है, इसमें आप देख सकते हैं 5 तत्व जो है मिक्स है, 5 तत्व मिक्स है। इसके ऊपर पुराना आप निशान भी देख सकते हैं जिसमें विक्रम संवत लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके इधर फिरंगी अंग्रेज भी लिखा गया है। कहते हैं कि पुराने टाइम में ये अंग्रेजों की तोप थी और उनसे जीत करके हम लेके आए थे, इसलिए इसके ऊपर फिरंगी अंग्रेज लिखा गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं उस साइड में हवेली दिखेगी आपको, पटुओं की हवेली। हाँ जी, वो पटुओं की हवेली है। पटवा रॉयल फैमिली के लिए जो फाइनेंस का काम करते थे, बहुत रिच मर्चेंट थे जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, जो कैमल कारवान सिल्क रूट आपने सुना होगा जो कि पुराने टाइम में टर्की से शुरू होता था और टर्की में गुड्स आते थे वेनिस से बाई बोट्स, फिर टर्की से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। ये पूरा सिल्क रूट था जिसमें जैन लोगों की लगभग 300 मंडियाँ थी, मतलब 300 दुकानें थी, 300 मंडियां मीन स्टॉप्स थे जहां पर वो वस्तु विनिमय बार्टरिंग का काम करते थे। तो इसलिए वो लोग बहुत रिच लोग थे और उन्होंने यहां पर काफ़ी हवेलियां भी बनवाई। जो हवादार घर होते हैं उनको हवेली कहते हैं। दूसरी वो सालम सिंह की हवेली है, वो यहां के एक मिनिस्टर थे, उनकी वो हवेली है जिसमें आप झरोखे देख सकते हैं। हाँ, उनका प्लान था कि वो इस फोर्ट के बराबर हाइट में हवेली बनाए और यहां से एक पूरा पुल बनाए, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए वो ये नहीं बना पाए। नहीं तो उनका प्लान था यहाँ से यूँ पुल बनाएंगे कि हवेली से किला, किले से हवेली डाल। और ये इस एरिया का लास्ट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको एक टंकी दिखेगी, टंकी के पीछे आपको जो है ब्लू लाइनिंग दिखेगी, वो रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ के बाद पाकिस्तान है तो ट्रेन यहाँ से वापस जाती है। लास्ट रेलवे स्टेशन कह सकते हैं कि भारत का आखिरी स्टेशन इस एरिया में, बहुत ही बढ़िया वेस्ट एरिया में लास्ट स्टेशन। ये जो आप सिलेंड्रिकल स्टोन्स देख रहे हैं और एक आपको उधर राउंड स्टोन भी दिखेगा बॉल की तरह, ये एक्चुअली में पुराने टाइम में जो अटैक करते थे एनिमीज, वो लोग रस्सियां फेंक करके ऊपर चढ़ाई का काम करते थे ताकि चढ़ के किले के अंदर एंट्री ले सके। अच्छा। लेकिन ये जो स्टोन्स थे ये उनके ऊपर फेंकने के काम आते थे। तो कहते हैं ना कि हम किसी के बाहर के आदमी आता है तो उसका वार्म वेलकम करते हैं, तो वो पत्थरों से वार्म वेलकम करते थे क्योंकि वो दुश्मन थे। अगर गेस्ट होते थे तो उनका वार्म वेलकम, उनको कुछ भी ड्रिंक्स ऑफर करके करते थे, लेकिन दुश्मन के लिए तो पत्थर दिखा दो। यूरोप में जैसे कि बॉइल्ड ऑयल, बॉइल्ड वाटर यूज करते हैं, करते थे एक्चुअली किले पर कोई भी अगर एनिमीज क्लाइंबिंग करता था तो हमारे यहाँ पत्थर था। और यहाँ पे पतली पतली गलियां हैं ताकि छाया रहे क्योंकि ज्यादा कोई पेड़ नहीं है यहाँ पे। और दूसरी चीज
कोई भी गर्म हवाओं की जो तूफान वगैरह आते थे तो उनसे सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए पतली गली। जैसलमेर में जब भी शादी ब्याह होता है तो जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल है कि गणेश जी की पूजा की जाती है, तो हमारे जैसलमेर का ये सिस्टम है कि हम लोग पहले गणेश जी की पूजा तो करते हैं, उनकी पेंटिंग भी घर के बाहर बनाते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज भी लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 11 जून 2015 ऊपर शुभ विवाह लिखा है और नीचे जो हार्ट के अंदर जो है कपल का नाम लिखा गया है। अगर दुल्हन का नाम पहले लिखा है और फिर संग दूल्हे का नाम बाद में लिखा है, मतलब कि ये जो घर है ये दुल्हन की फैमिली को बिलोंग करता है, दुल्हन के पेरेंट्स को। और अगर यही दूल्हे का नाम पहले होता तो दूल्हे के पेरेंट्स का घर है ये। तो ये हमारे यहाँ पे घर के बाहर पेंटिंग देखते ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कब शादी हुई थी और दूल्हे और दुल्हन का नाम क्या है और ये घर दुल्हन के पेरेंट्स का है या दूल्हे के पेरेंट्स का है। दूसरा आप देख सकते हैं यज्ञोपति संस्कार। जैसा कि ब्राह्मण्स में हम लोग जनेऊ पहनते हैं तो यज्ञोपति संस्कार का भी बाहर डिटेल्स लिख देते हैं, नीचे जय श्री कृष्णा लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं पहली शादी जो है ब्रदर सिस्टर की 2015 में हुई थी, फिर उसके बाद में उन्हीं के ब्रदर या सिस्टर की 2018 में हुई। तो पहले वाला जो पेंट था उसको मिटाया नहीं, लोकल स्ट्रीट्स के अंदर से जा रहे हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। अच्छा। यहाँ पे ज्यादातर हर टूरिस्ट को पता भी नहीं रहता यहाँ पे भी घर वगैरह है और क्योंकि ये एरिया में कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सुंदर घर बने हुए जैसे आप ये देख सकते हैं। देखिए जैसलमेर जो है डेजर्ट एरिया है और यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पर गांव के अंदर लेडीज़ जो है हाथ से कारीगरी का काम करती है, जो कि यहाँ की पुरानी ड्रेसेस को पैचवर्क में मिला करके और उसके बाद में सिटी में ला करके इनको बेचते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मुस्लिम पैचवर्क है, इस टाइप में ये हिंदू पैचवर्क है, जो डिफरेंट डिफरेंट पुरानी ड्रेसेज होती है उनका मिला करके पैचवर्क बनाया जाता है। इसी में एम्ब्रॉयडरी का भी होता है। अभी अपन अंदर चलेंगे, जो जैसलमेर का हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए। चौथा गेट जो था वो हवासोर था, ये थर्ड गेट है गणेशपुर। 1156 AD में इस गेट को बनवाया गया था, तब राजा ने जब बनवाया था गणेश जी की पूजा की थी और इसका नाम बढ़ गया था गणेशपुर। अच्छा। गणेश गेट और राउंड वे में एलिफेंट जो है तोड़ नहीं सकते गेट्स को, इसलिए राउंड वे में बनाया गया था। पुराने टाइम में दुश्मन जो है एलिफेंट से गेट तोड़ते थे, बाई राउंड वे द एलिफेंट कुड नॉट रन वेरी फास्ट एंड कुड नॉट ब्रेक इट, दैट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन। इस चौक को बोलते हैं गोपा चौक। इसे गोपा चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सागरमल गोपा जी ने, जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने तन मन धन का बलिदान दिया था देश के लिए और उसके बाद में इस चौक का नाम पड़ गया गोपा चौक, क्योंकि ये जो चौक है उनके घर के बिल्कुल पास में। यहाँ पर गोपा जो कास्ट है वो ब्राह्मण्स का एक सब कास्ट है, इसी के पीछे गोपा चौक। यहाँ की फेमस मिठाई घोटवा को जरूर ट्राई करें और गर्मी में फेमस जयशंकर का नींबू सोडा पीने को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। ये हमारे जैसलमेर का फेमस नींबू सोडा है, गरम प्योर सोडा लेमन और फ्रेश शक्कर, आरओ वाटर पानी और फ्रेश सोडा, और बाकी जब जीरा मसाला ऑरेंज काला खट्टा फ्रूट के रूप में किले के बस पास। बहुत ही अच्छे भैया, धन्यवाद। ये हमारी रबड़ी मलाई आइसक्रीम है, 1960 से मेरे दादाजी की ने शुरुआत की थी इसकी। ये आइसक्रीम है पर फ्रीज में नहीं जाती, एकदम एकदम फ्रेश आइसक्रीम है
और सुबह बनाते हैं, शाम को ये आइसक्रीम बना के टेस्ट करते हैं। एकदम यूनिक ऑथेंटिक हाइजेनिक, जिसमें शक्कर की जगह मिश्री डालते हैं, बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची और दूध। इसके अलावा कुछ नहीं है, नो केमिकल, एकदम फ्रेश और व्रत उपवास में खाने योग्य। उसके साथ हम नया आइटम शुरू किया है, फलूदा भी चालू करते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ से आप कैमल वूल के ब्लैंकेट्स ले सकते हैं, जो -40 और +40 डिग्री सेल्सियस दोनों में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो फ्रूट है ये आपने मेरे ख्याल से आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ डेजर्ट में ही होता है। इसको बोलते हैं चिबड़ी। ये है चिबड़ी, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पे ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की वनस्पति होती है, बेलें वगैरह होती हैं, जिनके अंदर ऐसे ऐसे फ्रूट्स लगते हैं जो कि कम पानी के अंदर, साल में एक बार बारिश हुई और ये फ्रूट उसके लिए पहले ग्रीन होता है ऐसा, फिर बाद में जब ये पक जाता है तब ये येलो होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप इसकी खुशबू से पता लगा सकते हैं कि ये पका हुआ है कि नहीं है। ये जो आप कठपुतलियाँ देख रहे हैं, एक्चुअली में पुराने टाइम में जब कंप्यूटर, टेलीविज़न कुछ भी नहीं था, तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए इन कठपुतलियों का खेल करवाया जाता था, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन मिलता था। युद्ध के बारे में बताते थे कि पुराने टाइम में हमारे वीर जो योद्धा थे उन्होंने किस तरीके से उस युद्ध को जीता, और कुछ भी रामायण महाभारत के एक्सप्लेनेशन देना होता था, उनके लेसन्स देने होते थे और एंटरटेनमेंट करना होता था, तो ये कठपुतली का खेल होता था। इसीलिए ये कठपुतली का खेल पुराने टाइम में फेमस था। आज के टाइम में जब टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह सब आ गए हैं और हमारे पास में सोशल मीडिया सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पुराने टाइम की बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ थी। इस लेक को बोलते हैं गड़ीसर लेक। इस लेक को महारावल गढ़सी सिंह जी ने 1367 में खुदवाया था। 14th century से पहले जैसलमेर के लोग पानी के लिए कुओं पर डिपेंड थे, लेकिन उसके बाद में बारिश का पानी जो है अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता था, इसीलिए राजा जी ने किले के पास में ये लेक खुदवाया। इसका नाम पड़ गया गढ़सीसर और बाद में गढ़ीसर। ये जो लेक के बीच की छतरी देख रहे हो आप, वो रॉयल फैमिली के लिए थी, और उसके साइड में और भी छतरियाँ बनी हुई हैं जो रॉयल फैमिली के गेस्ट के लिए थी। ये जो गेट है इसको बोलते हैं टीलों की प्रोल। टीलों नाम की एक राजदत्त की थी जिसने ये गेट बनवाया था राजा की परमिशन से। उसका जन्म पाकिस्तान हैदराबाद में हुआ था, लेकिन वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में नाचने का काम करती थी। हमारे यहाँ के किंग एक बार लखनऊ गए और उन्होंने उनका डांस देखा और राजा ने उनको जैसलमेर इन्वाइट किया और उन्होंने ये जैसलमेर में गेट बनवाया राजा की परमिशन से। उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में कुछ लोगों ने चुगलियाँ की कि ये गेट एक नाचने वाली का है, आप राजा हैं, आप इसके नीचे से जाएंगे तो ये आपके लिए जो है एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है। तो राजा जी ने इसको तोड़ने का भी ऑर्डर दिया, कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री इज़ मिस्ट्री। तो फिर लेकिन टीलों जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, उसने इसके ऊपर एक मंदिर स्थापित कर दिया सत्यनारायण जी का, और हमारे हिंदू धर्म में मंदिर को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ये गेट आज तक भी यहाँ पर है, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाता। आज के टाइम में ये लेक टूरिस्ट के लिए एज ए पिकनिक स्पॉट या फिर एज ए मॉन्यूमेंट बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग्स हुई है, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के, हम दिल ले चुके सनम, रेशमा और शेरा, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, टशन, मेला और उदाली। यहाँ पर बोटिंग भी है। बोटिंग का चार्ज जो है 2-सीटर पैडल का 200 रुपया है, और आप देख सकते हैं 4-सीटर पैडल का 400, और बाकी रोविंग, अगर रोविंग वाली लेंगे तो 6-सीटर रोविंग का 600 है और 10-सीटर रोविंग का 1000 रुपये है। देखिए, जो बीच वाली छतरी है वो रॉयल फैमिली के लिए थी, लेफ्ट वाली रॉयल फैमिली के जो गेस्ट आते थे उनके लिए थी, और उसके बाद वो जो आप 4 खिड़कियों वाला देख रहे हैं बिल्डिंग, उसके अंदर
जो है लेडीज स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम में बैठा करती थी और खिड़कियाँ बंद और खोल सकती थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पर्दा लेफ्ट में जो फ्लैग वाला वो देख रहे हैं वो टेम्पल है, यहाँ पर लेफ्ट में पेड़ जो पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, ये भी शिव जी का मंदिर है 350 साल पुराना टाइम से जो है राजा जी और यहाँ के जो आते थे और पूजा पाठ करते थे। और आज भी एंड डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई आइसक्रीम एंड लस्सी एट कंचन श्री आइसक्रीम। एंड यस, इंडिया की बेस्ट भांग शॉप को जरूर विजिट करें। Hope you guys like the video. See you in the next vlog. Jai Hind.